हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वोडाफोन आइडिया से जुड़ी हुई एक लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जिसको जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि आज आपको मार्केट के अंदर इसका इम्पैक्ट होता हुआ देखने को मिल सकता है। सो, आपको ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो गाइस, हम बात करेंगे सीधे खबर की। तो पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 आपके लिए अच्छी खबर है, लेकिन पॉइंट नंबर 3 के ऊपर आपको ध्यान देना है और उसके अकॉर्डिंग आपको सावधान रहना है, उसके अकॉर्डिंग आपको अलर्ट रहना है। आपको डरना नहीं है, आपको पैनिक नहीं करना है, बल्कि आप सावधान हो जाइएगा। देखिए, पहली खबर क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जियो कंटिन्यूज़ टू लूज़ एक्टिव सब्सक्राइबर्स। जी हाँ, जियो एक्टिव सब्सक्राइबर्स को ही नहीं लूज़ कर रहा है, बल्कि जो नॉर्मल सब्सक्राइबर्स हैं उनको भी लूज़ कर रहा है। आप देखें यहाँ पे, तो फरवरी महीने के अंदर 11.68 मिलियन जो सब्सक्राइबर्स हैं वो मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के रास्ते से लोगों ने अपने सिम को चेंज किया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो गेन हो रहा है वो भारतीय एयरटेल को हो रहा है, उसके बाद बोल सकते हैं वोडा आइडिया को। लेकिन हालांकि अभी आपको रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मैंने बताया था, जियो ने इस बार सबसे ज़्यादा गेन शो किया है, फिर भी ये 11.68 मिलियन सब्सक्राइबर जो हैं लूज़ हुए हैं। और आपको बताना चाहूँगा, जितने भी जियो के पास सब्सक्राइबर्स हैं उसका मात्र 78% जो है वो एक्टिव सब्सक्राइबर्स हैं। और वहीं हम वोडा आइडिया की बात करें तो उसका 24.20% मार्केट शेयर है, जिसमें से 90.4% एक्टिव सब्सक्राइबर्स हैं। वहीं हम भारतीय एयरटेल की बात करें तो जितना भी उसके पास सब्सक्राइबर बेस है उसका 94% उसका एक्टिव सब्सक्राइबर बेस है। तो दूसरे नंबर पर वोडाफोन आइडिया है, जियो स्लाइड होकर के तीसरे पर है, और एक्टिव सब्सक्राइबर्स ही नहीं बल्कि नॉर्मल सब्सक्राइबर्स भी लूज कर रहा है। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, ट्राई की तरफ से डेटा रिलीज किया गया है, उस डेटा के अकॉर्डिंग मैं आपको द हिंदू के एक आर्टिकल से अपडेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप यहाँ देखें तो जियो यहाँ पे 4G डाउनलोड स्पीड में टॉप कर रहा है, जबकि वोडाफोन आइडिया अपलोडिंग के स्पीड में सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे है। अप्रैल महीने का ये डेटा है ट्राई की तरफ से। यहाँ अगर हम देखें तो रिलायंस जियो ने 4G स्पीड के डाउनलोडिंग स्पीड जो इन्होंने विटनेस किया है 20.1 मेगाबाइट पर सेकेंड है। वहीं हम वोडा आइडिया के अपलोडिंग स्पीड की बात करें तो 6.7 Mbps है अप्रैल मंथ के लिए, जो कि तीनों ऑपरेटर से कहीं ज़्यादा है। तो ये है वोडा आइडिया के 4G अपलोडिंग स्पीड के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़। अब गाइस, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें पूरे मार्केट के अंदर, स्पेशली वोडाफोन आइडिया की जो मार्केट है इसके अंदर हमें हलचल होती हुई दिखाई दे सकती है। आप यहाँ देखें, जो वोडाफोन आइडिया का शेयर है वेनसडे के दिन 13% का राइज हमें दिखाया था। ये बात आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आपको पता है। और उसके पीछे की खबर क्या थी? उसके पीछे की खबर ये थी, इन्वेस्टर्स को इस बात को लेकर के काफ़ी खुशी हुई थी कि 15 महीने में ऐसा पहली बार हुआ है कि वोडाफोन आइडिया ने ये विटनेस किया है कि इनका सब्सक्राइबर बेस गेन हो रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा एक पॉजिटिव खबर थी। ये अलग बात है कि कंपनी को फंड रेजिंग टाइमली नहीं हो पाया, जिसके चलते बहुत सारे इन्वेस्टर्स का दिल टूटा हुआ है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स इस बात से नाराज हैं कि इन्होंने 25,000 करोड़ रुपए का वादा किया था और 1 करोड़ भी नहीं इनको किसी ने अभी तक दिया है। ये अलग बात है, लेकिन यहाँ पे आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ ये कहीं ना कहीं आज की मार्केट में एक डाउन साइड स्लाइड कराने के लिए कहीं ना कहीं लोगों को ब्रेन वॉश की तरह ये न्यूज़ काम करेगी। लेकिन इसीलिए मैं आपको सावधान करने के लिए इस वीडियो के जरिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, वोडाफोन आइडिया के अंदर अभी भी कुछ एनालिस्ट्स का मानना है कि वो इसके नीचे के टारगेट को टारगेट कर रहे हैं। जी हाँ, इसके 5 रुपये के टारगेट को वो मार्केट में बता रहे हैं। मैं एक नहीं, दो एजेंसीज की मैं बात करने जा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। आप यहाँ देखिएगा, मैं आपको ये चीज़ दिखाने की भी कोशिश करूँगा। जी हाँ, ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन की अगर हम बात करें तो इन्होंने अभी देखिए यहाँ पे
इन्होंने एक्सपेक्ट किया है कि रिलायंस जियो और भारती एयरटेल जो है वो मार्केट को कंटिन्यू विन करते रहेंगे, वोडाफोन आइडिया वहीं पे मार्केट शेयर लूज करता रहेगा। और इन्होंने टारगेट दिया है कि नीचे की साइड से 5 रुपीज़ तक ये लुढ़क करके आ सकता है। ये कहीं ना कहीं लोगों को डरा देने वाली बात है, लोगों को पैनिक क्रिएट करने के लिए खबर है, तो डेफिनेटली आपको इससे ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। हालांकि आपको इसका इम्पैक्ट ना होता हुआ भी दिख सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन होता हुआ भी दिख सकता है क्योंकि ये खबर है, खबर का इम्पैक्ट हो सकता है, तो आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी है। ऐसा नहीं कि आप इसको भूल करके कोई भी काम करें, काम करिए लेकिन इसको दिमाग में रखिएगा क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है एक वॉलेटिलिटी क्रिएट करने के लिए काफ़ी हो सकती है। इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पे तो एक ब्रोकरेज फर्म है जिसका नाम है MK ग्लोबल, इन्होंने भी सेल रेटिंग दी हुई है इस कंपनी के लिए और इन्होंने नीचे की साइड से टारगेट जो है 5 रुपये का दिखाया है। इसके अलावा और भी कुछ हैं जो इसके टर्न अराउंड सिचुएशन को नहीं देख रहे हैं बल्कि इसको नीचे की तरफ स्लाइड करते हुए देख रहे हैं। और यहाँ पे इनका मानना है कि 25,000 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग प्लान जो है कंपनी ने अनाउंस सितंबर में ही कर दिया था, इसके बावजूद भी अभी तक वो डील मटेरियलाइज नहीं हुई, जिसके चलते इनको लगता है कि इसकी पोजीशन जो है आने वाले टाइम में वीक रहने वाली है, कमज़ोर रहने वाली है और ऊपर से कोरोना वायरस का कहर जारी है पूरे देश में। हालाँकि इस बीच में एक यहाँ पर दूसरी रेटिंग एजेंसी है जिसका नाम है क्रेडिट सुसी, इन्होंने अंडर परफॉर्म देखा, मैंने इन्होंने ज़्यादा सेल रेटिंग नहीं दी है, इन्होंने अंडर परफॉर्म करने के लिए इसको बताया है और इन्होंने टारगेट जो नीचे की साइड से सेट किया है 7.50 का है। जी हाँ, 7.5 रुपये का सेट किया है, लुढ़क करके आ सकता है ऐसा इनका बोलना है, मेरा नहीं बोलना है। और इनका मानना है कि जो डिफर्ड पेमेंट है IGR ड्यूज के लिए वो नियर टर्म में रिड्यूस हो सकता है, इसके होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं और वोडाफोन आइडिया की वायबिलिटी की जहाँ तक बात है तो ये बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेन नहीं बोल सकते हैं, राइट। और हालांकि ये चीज़ जो है कैपिटल इन्फ्यूजन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है, लार्जली डिपेंडेंट है, और इन्होंने ये चीज़ भी इन्होंने एश्योर किया, मतलब बताने की कोशिश करी, विटनेस किया कि वोडाफोन आइडिया के जो इन्हें अभी हाल ही में एश्योर्ड लेंडर्स को इन्होंने प्रॉमिस किया है, एश्योरेंस दिया है कि जून के आखिरी तक $1 बिलियन जो है ये रेज कर पाएंगे। एनी हाउ इनको $1 बिलियन जो है एंड ऑफ द जून तक रेज कर लेना है। तो गाइज़ ये दोनों जो भी ये रेटिंग एजेंसीज़ हैं इनकी जो रेटिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है और लोग इसको इग्नोर नहीं करते हैं, लोग इसको माइंड करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली चलते हैं। लेकिन मैं आपसे यहाँ बोल रहा हूँ कि आप इसके अकॉर्डिंग चलें या ना चलें लेकिन आप सावधान जरूर हो जाइएगा क्योंकि ये चीज़ जो है कहीं ना कहीं बहुत लोगों को एक तरीके से एम्पावर कर सकती है नीचे की तरफ सेल करने के लिए, शॉर्ट सेलिंग के लिए, क्योंकि लोग इस तरीके का मौका ढूंढते हैं शॉर्ट सेलिंग के लिए और ऐसी ही खबर उनको चाहिए होती है। इसलिए मैं आपसे सावधानी के लिए कह रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है, जो आप चाहें वो कर सकते हैं, जो आपको सही लगे वो करिए, लेकिन ज़िम्मेदारी भी उसकी आप अपने आप के ऊपर लीजिए। एंड मेरी तरफ से हमेशा पॉजिटिव मोमेंटम रहता है इस कंपनी के लिए और मैं इसको पॉजिटिवली देखता हूँ और आने वाले टाइम में भी देखूँगा और होपफुली ये कंपनी जो है अपने पुराने लेवल्स को फिर से गेन करेगी, लेकिन थोड़ा समय लग सकता है इसके लिए, अब समय तो देना पड़ेगा इसके लिए क्योंकि समय जियो ने नहीं लिया, जियो जिस रेट से आगे उभरा है उसी रेट से नीचे लुढ़केगा भी, ये ऐसा लगता है क्योंकि सिचुएशन धीरे धीरे देखने को मिल रही है। तो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो गाइस, आई होप यू लाइक दिस कंटेंट, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो इसे लाइक कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को क्लिक करके अगर आप चाहें तो अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे, सी यू नेक्स्ट टाइम अपडेटिंग समथिंग न्यू इन नेक्स्ट वीडियो।